dear friends, English spoken day number first. सब चाहते सब इंग्लिश में अच्छी तरह से बोल पाए, लेकिन इंग्लिश बोल पाते नहीं है क्योंकि उसके पीछे डर छुपा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए एक ही रूल्स है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, कोई भी बच्चा जब बोल नहीं पाता, कुछ पढ़ नहीं पाता, मींस यानी कि अभी कोई स्कूल में उसको भेजा नहीं है, फिर भी वो अच्छी तरह से वो अपने घर में जो उसके पेरेंट्स जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वही लैंग्वेज में वो बच्चा बोल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुजराती फैमिली है तो गुजराती फैमिली में वो बच्चा गुजराती में ही टॉकिंग करेगा, गुजराती में ही बोलेगा। जो हिंदी में बोलने वाली फैमिली है उस फैमिली में वो बच्चा हिंदी में ही बोलेगा। और जो आउट ऑफ कंट्री है जिसके फैमिली इंग्लिश में बात करती है वो बच्चा ऑलरेडी इंग्लिश में ही बात करेगा। कहने का मतलब इतना ही है, आप जो सुनते हो वही आप बोल पाते हो। अंडरस्टैंड, मैं क्या आपको समझाने वाला हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं आप समझिए। आप जो सुनते हो वही बोल पाते हो। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ओनली लिसनिंग करना है, इंग्लिश सुनना है, फिर उसको जैसी आती है आपको टूटी फूटी वो इंग्लिश बोलने का प्रयत्न कीजिए, ट्राई कीजिए। आपको पता है बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलता है, पापा डैडी मामा काका, वो ऐसे टूटी फूटी लैंग्वेज शुरू करता है। पहले वो एक या दो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, फिर एक शब्द वाला, उसके बाद दो तीन शब्द वाले वर्ड्स, फिर बड़े बड़े वर्ड्स बोलता है, फिर उसके बाद वो सेंटेंस एक वाक्य बोल पाता है। पता चला? तो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश अच्छी तरह से पहले समझ लो, मींस पहले छोटे छोटे वर्ड्स है, छोटे छोटे सेंटेंस है उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपने माइंड में इंग्लिश में ही सोचना है। आप गुजराती है तो गुजराती में सोचेंगे, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। आप हिंदी फैमिली से है तो हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो सही नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में ही सोचना पड़ता है। आपको जैसा जितना आप जानते हैं उतना टूटा फूटा हुआ कोई भी चलेगा, पर इंग्लिश में ही वो सोचिए। मैं आपको डेली घर पे जो बोलने वाले जो सेंटेंस है वही से प्रैक्टिस कराता हूं। जो आप घर में बार बार बोलते हैं तो वही से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो वर्ड्स वो सेंटेंस निकल आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो आज हम वही से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, जो यहां से मैं हर रोज एक टेक्निक देने वाला हूं वो टेक्निक आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए। डे नंबर फर्स्ट की ये टेक्निक है, आज ये सेंटेंस बोलने वाले, तो पूरा दिन वही सेंटेंस का आप मैक्सिमम यूज कीजिए।
फिर देखिए शॉर्ट टाइम में आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स, मेरे पीछे अभी दोहराइए, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द एसी, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑन द फ्रिज, स्विच ऑन द फ्रिज, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑन द वॉशिंग मशीन, स्विच ऑन द वॉशिंग मशीन, ओके आई डू, ओके आई डू। मैंने आपको बताया कि स्विच ऑन करना है, मींस इलेक्ट्रिक जो चीज है उसको चालू करने है। अब उसको बंद कराने के लिए स्विच ऑफ का यूज करेंगे। ओके स्टार्ट, स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑफ वॉशिंग मशीन, स्विच ऑफ वॉशिंग मशीन, ओके आई डू, ओके आई डू, स्विच ऑफ द फ्रिज, स्विच ऑफ द फ्रिज, ओके आई डू, ओके आई डू। माय फ्रेंड्स, इस तरह से टुडे मींस आज पूरा दिन एक दो सेंटेंस का यूज कीजिए। ओके दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे मेरी नई वीडियो अब तक पहले पहुंचे।